शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो हेलो हेलो, ऑपरेशन डॉल्फिन। यस, महेश रिपोर्टिंग सर। बिल्कुल ठीक सर, छानबीन जारी है सर। इस इलाके में कायदे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं सर। इस इलाके का हर आदमी अल्फांसो का गुलाम लगता है सर। जब भी कोई हादसा होता है, ये लोग पुलिस स्टेशन न जाकर इसकी शिकायत अल्फांसो के पास जाके करते हैं। इंस्पेक्टर खान को कोई पूछता ही नहीं सर, और पुलिस स्टेशन में भी कुछ कामकाज नहीं होता सर। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है सर। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बाबूजी। अरे ज्योति, हमें आने में बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं तो फिर इतने दिन मिलने क्यों नहीं आए? जरा ऐसे ही काम में उलझा था। बाबूजी, आपको कभी कोई काम करते तो देखा नहीं हमने। देखो ज्योति, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। वही तो जानना चाहते हैं हम। जानकर क्या करोगी, जब भी बुलाती हो चला आता हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? बाबूजी, आपने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जब भी पूछते हो बस टाल जाते हो। प्यार में एक दूसरे पर भरोसा ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बाबूजी, प्यार में एक दूसरे से कुछ छुपाया भी तो नहीं जाता। वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझ पर एतबार है ना? बेहद। कितना? इतना? इतना? साहब, चलो मेरे साथ चलो साहब। मैं शाह को नहीं छोड़ूंगा। यीशु, वो मां कसम, यीशु मेरी बात सुनो। मैंने शाह को देखा है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ। आप बंदूक उठाइए, मेरे साथ चलिए। वो मेरे पीटर को खा गई। डोंट, चलिए रिलैक्स। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके, देखो अब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई मेरी बात नहीं मानता था, लेकिन अब मानेंगे। बैठो। हाँ, मैं अपने ऑफिसर को खबर करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुमने अपनी आंखों से उस खूनी शार को, पीटर को निकलते हुए देखा है। इस वक्त से मैं इन गांव वालों को समुद्र में जाने से रोक सकता हूँ, वरना किसी और की भी जान जा सकती है। समझे जेसु? तुम यहाँ बैठे टिक टिक करते रहोगे और वो शार तुम्हारा इंतजार करेगी। जेसु, नाम मत लो मेरा। तुमने क्या खोया है? खोया तो मैंने है, मुन्ना तो मेरा मरा है। तुम्हें क्यों दर्द होने लगा उसकी मौत का? क्या लगता था तुम्हारा? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। जेसु सुनो तो, हवलदार जेसु, जेसु रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बैठे रहो, हाथ में हाथ रख के रहो अपने थाने में। अब मुझे बंदूक भी नहीं चाहिए। मैं शाह को मारने के लिए अपने हथियार खुद बनाऊंगा। लेकिन माँ कसम, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं शाह को मार के रहूंगा। वक्त बढ़ने पर ऊपर वाले ने मदद नहीं की, तू क्या मदद करेगा मेरी? ये दुनिया वाले मेरी क्या मदद करेंगे? मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। थाने में बंद करके रखना अपने आप को। खा जाएगी वो शाक, एक एक करके सबको खा जाएगी, सारे गांव को खाएगी वो।
Yes. आप मीटिंग में आए नहीं अभी तक? मीटिंग? कौन सी मीटिंग? और कहा? अल्फांसो के घर। अल्फांसो? दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने एक राय होकर मेरे इस प्लान को मंजूर कर लिया है। सर, जब आप इतना महान काम कर रहे हैं तो किसी को इनकार या इतराज कैसे हो सकता है? थैंक यू। लेकिन सर, गवर्नमेंट से इजाजत लिए बगैर आप इतना। सुनिए साहब, इस दुनिया की अदालत से ऊंची अदालत एक और भी है। जब उस अदालत ने इजाजत दे दी और हम, मेरा ख्याल है आज की मीटिंग अब बर्खास्त कर दी जाए। आइए आइए खान साहब, आइए। बहुत देर कर दिया आपने आने में, मीटिंग तो अब खत्म हो चुकी है। ये लीजिए जरा, इस पर दस्तखत कर दीजिए। आप ये पढ़िए। ये क्या है? आज की एक्सीडेंट की रिपोर्ट। आज क्या हुआ? आज आज दूसरी मौत हुई है। क्या? जी हाँ, शार्क पीटर को खा गई। खामोश बैठिए। आपके पास क्या सबूत है कि शार्क ने उसे मार डाला? मेरे पास सबूत है मिस्टर अल्फांसो, जिसने अपनी आंखों से पीटर की मौत देखी। कौन है वो? येसु। इसलिए मैं ये रिपोर्ट की कॉपी आपके पास लाया हूं, ताकि आप गांव वालों को मना कर दीजिएगा कि जब तक हेड ऑफिस से मदद नहीं आ जाती और शार्क का खात्मा नहीं हो जाता, कोई समुद्र में नहीं उतरेगा। गांव वालों को मेरी रॉक से दूर रखने का एक अच्छा रास्ता मिल गया है। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे खान साहब? आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। आप शर को खत्म करना चाहते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं। पूजा? जी जी, पूजा। तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि लोग किनारे पर बैठकर पूजा पाठ करें, अ काइंड ऑफ सैक्रिफिशियल सेरेमनी। उसे सागर देवता भी शांत हो जाएंगे और शार्क हमेशा के लिए यहां से चली जाएगी। ओके, आप लोग पूजा करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन कोई शख्स पानी में नहीं उतरेगा। जी, मैं वादा करता हूं कि कोई भी शख्स पानी में नहीं उतरेगा सिवाय मेरे। आप? हाँ, मैं। मदर मेरी मेरे सपने में आई थी, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मेरे रॉक पर एक चर्च बनाओ, और जब तक इस चर्च का काम मुकम्मल नहीं होता मुझे तो पानी में आना जाना ही पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे रास्ते में कानून के कांटे मत बिछाइए। मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं इस बात की कदर करता हूँ कि आप जैसा होनहार ईमानदार अफसर हम लोगों के बीच है। भाइयों, ये एक ऐसे महान हस्ती है जिन्होंने एक ऐसी औरत का हाथ थामा जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे। इनकी पत्नी ने अपने ही चाचा का कत्ल किया था, लेकिन इन्होंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। अपने उसूलों के लिए इन्होंने अपनी पोजीशन समाज की, अपने ओहदे की, अपने फीतों तक की परवाह नहीं की, और नतीजा ये निकला कि इन्हें इस छोटे से गांव में ट्रांसफर कर दिया गया। आप मेरे बारे में इतनी खबर कैसे रखते हैं? आप हमारी खबर रखने के लिए इस गांव में आए हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। खैर, मैं चलता हूं। पोस्टमास्टर। जी हुजूर। आज के बाद कोई भी सरकारी चिट्ठी हमारी नजरों से गुजरे बगैर न इस गांव में आएगी और न ही इस गांव से जाएगी। जी हुजूर, बिल्कुल ठीक। येसु, इन हथियारों को बनाने से कोई फायदा नहीं,
तुम खामखा मेहनत कर रहे हो। तू क्या देख रहा है रे? आग तेज कर। जेसु, गांव के लोग शार्क को सागर देवता मानकर उसे खुश करने के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं। सभी ने मिलकर मीटिंग में फैसला किया है कि आज के बाद समुद्र में कोई नहीं उतरेगा। समुद्र में नहीं उतरेंगे? उनके बाप का क्या गया है? क्यों जिद कर रहे हो? गांव वाले तुम्हें पानी में जाने नहीं देंगे, और मैं भी जानबूझकर तुम्हें मौत के मुंह में नहीं कूदने दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता, और अब जीऊंगा भी किसके लिए? मेरा मुन्ना नहीं रहा, गांव वालों का क्या गया है? करने दो गांव वालों को जो कुछ करना है, मुझे ना तुम्हारी परवाह है ना इन गांव वालों की। मुझे जो कुछ करना है मैं करके रहूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। कानून सुन लिया ना? हाँ हाँ सुन लिया। कानून, मुझे किसी कानून की परवाह नहीं।